थ्री कॉट ए बराबर फोर हो तो जांच कीजिए कि वन माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस वन माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए बराबर है या नहीं। तो हम पहले हमको दिया हुआ है थ्री कॉट ए बराबर फोर, इसको लिख सकते हैं कॉट ए बराबर चार बटा में तीन, मतलब बी बटा में पी। बी अब पी है तो हम एच निकाल लेते हैं इसके लिए, तो क्या होगा पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, मतलब लंब मान तो दिले हमको आ तीन, तीन का होल स्क्वायर प्लस में आधार का चार का होल स्क्वायर, मतलब तीन तीन नौ प्लस में चार चार सोलह, दोनों जगह पच्चीस आएगा, बराबर कितना आएगा पाँच आएगा, मतलब हमारा कर्ण का मान कितना आ गया पाँच आ गया है ना। अब हम एल एच एस ले लेते हैं, एल एच एस हमको दिया हुआ एल एच एस वन माइनस में टेन स्क्वायर ए बटा वन प्लस में टेन स्क्वायर ए, इसको हम तोड़ लेते हैं या तो सीधे वैल्यू पुट कर सकता है, वैल्यू पुट कर लीजिए सबसे अच्छा। वन माइनस में टेन स्क्वायर, टेन थीटा का मान बताओ कॉट थीटा का, टेन थीटा होता था तीन बटे, यहाँ कॉट का मान चार बटा तीन है तो टेन का होता कॉट, कॉट का होता टेन, मतलब तीन बटा चार स्क्वायर, तो स्क्वायर को लेना है बटा वन प्लस में टेन स्क्वायर ए, मतलब थ्री बटा में फोर का होल स्क्वायर। हल करेंगे इसको, वहाँ कितना आ गई तो वन माइनस तृतीय नौ बटा में सोलह, वन माइनस यहाँ प्लस प्लस करना नौ बटा में सोलह, यहाँ सोलह लघुत्तम लीजिए तो सोलह माइनस नौ, यहाँ सोलह लघुत्तम लीजिए सोलह प्लस में नौ, सोलह सोलह काट लीजिए तो काट कर बताए कितना नौ सात सोलह, यहाँ से सोलह पच्चीस, मतलब एल एच एस तुम्हारा कितना आ गया एल एच एस आ गया सात बटा में पच्चीस। अब आर एच एस लेते हैं, अब आर एच एस यहाँ से लेंगे आर एच एस, आर एच एस दिया हुआ कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, कॉस यहाँ से हमको देखिए कॉस होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार हमारा चार दिया हुआ है और कर्ण हमारा पाँच आया है, का होल स्क्वायर माइनस में साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो लंब तुम्हारा है तीन और कर्ण है पाँच का होल स्क्वायर, तो चार चार सोलह बटा पच्चीस माइनस में तीन तीन नौ बटा पच्चीस है ना, एडिशन ले लीजिए पच्चीस कितना आएगा सोलह माइनस में नौ, मतलब सात बटा में पच्चीस। यहाँ देखिए दोनों बराबर है एल एच एस और आर एच एस बराबर, देखना कि एल एच एस बराबर आर